महिलाओं के उत्पीड़न की घटनाओं पर रोकथाम लगाने एवं पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने जाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य निर्मला द्विवेदी ने लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में महिला जन सुनवाई की। इस दौरान कुल 4 मामले सामने आए, जिसके निस्तारण के लिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। इस मौके पर राज्य महिला आयोग की सदस्य निर्मला द्विवेदी ने कहा कि महिला उत्पीड़न की घटनाओं पर तत्काल कार्रवाई हो, प्रदेश सरकार महिला सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है। इस अवसर पर SP क्राइम अशोक कुमार वर्मा, जिला महिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक आनंद श्रीवास्तव, जिला सूचना अधिकारी प्रशांत श्रीवास्तव, महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह, आशा ज्योति केंद्र की पूजा पांडे सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राज्य महिला आयोग की सदस्य निर्मला द्विवेदी ने बताया। जब डिग्री का मेरा कागज आया तो मैं लेकर गई, तो थाने वाले किसी तरह से घर दिलवा दिए हैं, लेकिन जो 5,000 खर्चा महीने का है और 2,00,000 आदेश हुआ है रूम देने के लिए, लेकिन आज 15-20 दिन भी चुका हुए पैसा नहीं दे रहे हैं, डरा रहे हैं। मतलब ससुराल वाले तुम्हारा खर्चा नहीं दे रहे हैं? ये कौन है? भाई में रहती हो? नहीं, अब 8 दिन से ससुराल में ही है, अब 13 दिन ससुराल में। पति क्या करता है? पति बन नहीं। बच्चे? बच्चा वो है, 2 बच्चे हैं, 16 साल का लड़का है और 6 साल की। अच्छा, तो पति का भाई? अच्छा, ये बताओ, वो जब मेरा मुकदमा चल रहा था वो बीच में 2 साल भी चुका, दूसरी शादी कर वहीं पे? नहीं, घर पतिया घर में, गांव में एक औरत अपनी सब बहन की शादी करा रहे हैं मंदिर तो घर एक साथ नहीं है, मनो मन वाला गलत घर में रूम में है। तुमको भी रहने को दिया है, उसको भी रहने को दिया है, हमको कोर्ट से मिला है। हमारे पास तो रिकॉर्ड रहेगा ना, इसी में वहाँ पे खाइए। हाँ सर, बीच में
जो उनके जीजा थे ना वो हम लोग मामा लग रहे थे, उन्हीं की वजह से मैंने ये शादी हुआ। उसका मेरे मन में कि मैं दूसरी शादी कर ली, अभी ध्यान रख लो बच्चों कुछ होने वाला नहीं। और कहीं अगर इससे पहले मैं हम लोग जून में वहाँ पटरौना में है, पटरौना थाना में वहाँ पर बैठाया गया था कि समझौता हो जाए। वहाँ पे सीधे बैठ के उन लोगों के प्रभाव से तो मुझे भेज दी, बोले जाइए एक हफ्ते बाद हम कॉल करेंगे। ना कॉल आया और नंबर भी दिए, कॉल हम लोग करते कॉल भी नहीं। महिलाओं की, महिलाओं से संबंधित हर तरह की समस्या सुनी जाती है और पूरी तरह से कड़ाई से उसका पालन किया जाता है, उसका निस्तारण किया जाता है, ताकि महिलाएं रोती हुई आती हैं और वो हंसती हुई यहाँ से जाती हैं। हम लोग कोशिश करते हैं मौके पर ही सारा उनका जो भी काम है उसका निस्तारण कर दें। आज किस तरह की समस्या कुछ आई है? यही समस्याएं हैं, पति से ही सभी पीड़ित हैं कि मतलब अभी तक जो भी मैटर आए हैं उसमें सब में पति ने दूसरी शादी कर ली है, खर्चा नहीं दे रहा है और क्या कहते हैं कि मार रहा है, परिवार वाले पूरा परेशान कर रहे हैं। मतलब दहेज उत्पीड़न, घरेलू उत्पीड़न, हर तरह से महिलाएं परेशान हैं, जिसका निवारण कोशिश की गई है कि अभी मौके पर ही कर दिया गया है।